आज की वीडियो में हम 4 से 6 साल के बच्चे की फ्रॉक बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने ली है 2 तरह की ऊन, ये मल्टी कलर में और ये इसके मैचिंग में क्रीम कलर की ऊन। तो आज हम पहले हम इससे बनाएंगे, इस ऊन से। देखिए, पहले हम मोट लगाएंगे, इस तरह से। हमें लेनी है 69 चैन। देखिए फ्रेंड्स, हमें 69 चैन लेनी है। इस तरह से चैन लेते जाइए। ये देखिए, ये हमारी बन गई 69 चैन। अब हम 3 चैन और लेंगे, 1, 2, 3। अब जहां से हमने ये 3 चैन शुरू करी है, वहां पर इस तीसरी वाली चैन में ऐसे लेंगे। वन डबल क्रोशिया इसके नेक्स्ट चैन में लेंगे, वन डबल क्रोशिया। अगली चैन में लेंगे फिर डबल, वन डबल क्रोशिया एक बार। फिर अगली चैन में इसी तरह से सारी चैन में हमें वन डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए, हमारी एक रो कंप्लीट होने वाली है लास्ट तक। इसी तरह बनाते जाइए लास्ट तक, इसी तरह बनाते जाएं। ये हमारी लास्ट चैन है। अब हम यहाँ से 3 चैन लेंगे और पलट जाएंगे। देखिए, इसके 7 वाली चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया लेनी है। और इसके 7 वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है। ये देखिए, 2 बार। फिर इसके 7 वाली में 1 बार लेनी है 1 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन में 2 बार। ये देखिए, 1 चैन में 1 बार, 1 चैन में 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है। ये देखिए, 1 बार 1 चैन 2 बार। देखिए, फिर 1 बार नेक्स्ट में 2 बार। इसी तरह हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चैन, ये 1 बार डबल क्रोशिया ली है, ये 2 बार डबल क्रोशिया ली है नेक्स्ट चैन में, ये नेक्स्ट चैन में 1 बार ली है, ये 2 बार ली है। इसी तरह 1, 2, 1, 2 हमें पूरा कंप्लीट, ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। इसी तरह मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। ये देखो, ये इस तरह से आएगा। ये हमारा गला, गले पे से शुरू कराया है हमने। देखो ऐसा दिखेगा। अब हम, मैंने लिए यहाँ पर ये 3 चैन, इससे पलट जाएंगे। अब हम इसके 7 वाली चैन में, हमें इसके यहाँ से चैन में नहीं, इसके बीच में, यहाँ से दोनों चैन के इसके बीच में यहाँ से लेना है डबल क्रोशिया। ठीक, अब हमें ये चैन, ये वाला ये फ्रंट साइड से लेना है हमें डबल क्रोशिया। ऐसे हम डालेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरह से बनाना है। फिर इसकी नेक्स्ट, ये जो डबल क्रोशिया ली है, इसमें हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है 2 बार।
तरह से हमें इसमें दो बार एक चैन लेनी है और एक डबल क्रोशिया एक चैन इस तरह से बनाएंगे। और ये जो एक चैन ली, ये जो एक डबल क्रोशिया ली है, इसको हम फ्रंट साइड से ही बनाएंगे इस तरह से। और ये जो डबल क्रोशिया है, दो बार डबल क्रोशिया लिया इस चैन में, इसमें आप दो बार एक डबल क्रोशिया एक चैन और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी में सेम। फिर ये जो एक डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट साइड से लेंगे इस तरह से। फिर ये जो दो बार हमने डबल क्रोशिया ली है, इसमें हमें हर बार एक डबल क्रोशिया एक चैन और एक डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से। चैन डबल क्रोशिया इस तरह से हमें बनाना है। ये देखो, ये डबल क्रोशिया इसमें हमें फ्रंट साइड से ही लेना है इसको। ये हमारी डबल दो बार डबल क्रोशिया है, इसमें हमने बताया एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया, फिर ये फ्रंट साइड से लेना है ये वाला। ये रो पूरी कंप्लीट करनी है, ये तीन रो कंप्लीट करनी है इसी तरह से बनाते हुए। देखो फ्रेंड्स, मेरी तीन लाइन कंप्लीट हो गई हैं। ये फर्स्ट, ये फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया, ये दो बार डबल क्रोशिया एक चैन से करके। अब हम बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से जो मैंने ली है चैन, ये डबल क्रोशिया, इसको हम बैक साइड से, ये हमारा फ्रंट है ये बैक है, तो ये जो फ्रंट साइड से हमने ली है, इसको हम इधर बैक साइड से ऐसे करके लेंगे। देखिए अभी मैं करके दिखाती हूँ। ये हमने तीन चैन ले ली और हम पलट जाएंगे। तो देखिए इसके साथ में ये वन डबल क्रोशिया और ये फ्रंट बैक साइड से हमें ये इस तरह से क्रोशिया डालनी है। ये देखिए इसमें ऐसे करके हमें ऐसे निकालना है बैक साइड से डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर ये हमने तीन रो कंप्लीट करी है हमने, ये डबल डबल दो बार डबल क्रोशिया से। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, दो डबल क्रोशिया लेंगे दो बार एक दो, फिर हम एक चैन लेंगे, फिर सेम इसी में दो बार और लेंगे एक दो। देखो ऐसे दो डबल क्रोशिया एक चैन दो डबल क्रोशिया। अब ये फ्रंट, ये बैक साइड, इसको हम बैक साइड से लेंगे, जो हमने फ्रंट साइड से ली थी उसको हम बैक साइड से लेंगे ऐसे पीछे से। ये फिर हम वैसे ही लेना है जैसे हमने पहले लिया, दो बार दो डबल क्रोशिया दो एक चैन और दो डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे ही, ये वाला हमें बैक साइड से लेना है ऐसे। तो देखिए ये
लेना है ऐसे खाना है ऐसे। ये हमारी बैक साइड का हो जाता है। दो बार डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, सेम यही करना है, पूरा राउंड करो, बनाते जाना फ्रेंड। इसी तरह से हमें ये पांच राउंड कंप्लीट करने हैं। एक ये हो गया, चार और बनाने हैं आगे, तो इसको मिला के पांच राउंड हो जाएंगे। पांच राउंड ये हो गए और पांच ये हो जाएंगे। पांच राउंड करके मैं आपको बताती हूँ फिर आगे कैसे करना है।